टाइम देख सकते हो, इट्स 7:34 मॉर्निंग, AM 7:34। रिठाला पर खड़ा हूँ मैं और यहाँ से मैं सेक्टर 34 जा रहा हूँ। तो देखते हैं कितनी देर में हम सेक्टर 34 पहुँचते हैं। अभी मैंने नारियल पानी पीने के लिए गाड़ी रोक दी है मैंने, और क्योंकि मुझे सेक्टर 34 जाना है और इस समय कोई भी नहीं है मेरे पास गाड़ी में, अकेले ही जा रहा हूँ मैं। पर इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं किस किस को बोलूँ, नहीं किसी को बोलूँगा, हर एक का इंटरेस्ट नहीं होता इन सब चीज़ों में, प्रॉपर्टी देखने में, है ना, और आलस भी होता है लोगों के अंदर। तो मैं अकेला ही चल पड़ा हूँ और आप सबको तो पता ही है कि मुझे प्रॉपर्टी का काफ़ी शौक है देखने का भी, चाहे खरीदूँ ना खरीदूँ, पर देखने का बहुत शौक है। उससे नॉलेज भी मिलती है, पता भी चलता रहता है मुझे, इसलिए पिछले 35 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे काफ़ी नॉलेज भी हो गई है प्रॉपर्टी की। इसी कारण से परचेज भी करी है, रेंटल इनकम भी बनाई है मैंने। चलिए चलते हैं, है ना, डरता मैं हूँ नहीं किसी से भी, अकेले भी मैं चला जाता हूँ, चाहे रात हो चाहे दिन हो। चलिए सेक्टर 34 चलते हैं। नारियल पानी मैंने पी लिया है, पर मीठा नहीं था, फीका नारियल पानी दिया है, 60 रुपये भी ले लिए इसने। अब टाइम देख लो, अब इस समय 8:05 हुए, रास्ते में 10 मिनट आप कम कर लो, ठीक है ना। तो 7:42 पे मैं चला था, 8:05 थी, हो गए कितना, 10 मिनट कम कर लो ना, 7:52 जो है वो कर लो आप, तो 8:05:13, यानी मैं 13 मिनट्स में मैं सेक्टर 34 पहुंच गया हूँ। क्योंकि बीच में मैंने नारियल पानी भी पिया और फिर किसी से पूछा भी रास्ता मैंने, फिर रास्ते एक बार गलत भी हो गया था। चलिए अब सेक्टर 34 मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सेक्टर 34 है। तो ये मैं बिल्डर्स के नंबर भी ले लेता हूँ, ये पारस अरोड़ा, फ़ोन नंबर भी आ गए हैं, बाद में बात करते हैं इनसे। और इनका भी फ़ोन नंबर ले लेते हैं, सबके फ़ोन नंबर तो होने चाहिए ना, इसका फ़ोन नंबर है नहीं यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं, ये पूरा सेक्टर 34 है और ये प्लॉट्स यहाँ पर आ चुके हैं। जंगल एरिया में भी सेक्टर 34 में कितना सुंदर घर प्रॉपर्टी का ऑफिस बना के बैठे हुए, देखो कमाइयां तो यही करते हैं। 99 कितना, ये 5x9 है और 3 × 5x9 है और 00626 5x9 00626 पारस अरोड़ा। आगे ये हाईवे आ चुका है सेक्टर 34 से, ये जो आगे की रोड है ये वाली, ये हाईवे है, 100 मीटर छोड़ा ये रोड है, ये बवाना को निकल रहा है 100 मीटर छोड़ा रोड, और यही रोड जो है आगे द्वारका, यही रोड द्वारका एक्सप्रेसवे है, वो आगे फ्लाईओवर आप देख रहे हो ना बहुत आगे, तो द्वारका एक्सप्रेस वे यहीं से जाए। चलिए मैं यहाँ से यू टर्न लेता हूँ मैं। तो अभी डीलर्स वगैरह से जो बातचीत हुई है मेरी, तो यहाँ पर सेक्टर 34 में भी 26 मीटर का जो प्लॉट है वो अब नहीं है 35-36-37 लाख का, 2021 तक यहाँ पर 20-21 लाख का प्लॉट था। सेक्टर 34 में भी कोई भी प्लॉट 26 मीटर का जो प्लॉट है किसी भी पॉकेट में 42 लाख से कम नहीं है। हाँ, वहाँ पर छोटे छोटे फ्लैट्स हैं, वो आपको जो सबसे ऊपर चौथी मंजिल वाला फ्लैट है टॉप फ्लोर
फोर्थ फ्लोर है, टॉप फ्लोर, चार फ्लोर है बस। टॉप फ्लोर मिलेगा आपको 11-12 लाख में मिल जाएगा, और स्टार्ट 15 लाख से होता है, यानी ग्राउंड 15 लाख, 14 लाख, 13 लाख, 12 लाख ऐसे। तो ऐसे वहाँ पर 11 लाख से 15 लाख तक के फ्लैट्स हैं, छोटे छोटे, एक कमरा, एक किचन, एक टॉयलेट बाथरूम, एक कमरा, एक किचन, एक टॉयलेट बाथरूम छोटा सा। और सामान जो डोर है, जो दरवाजे हैं, बड़े छोटे हैं, यानी उसमें से सामान आना जाना बड़ा मुश्किल है। और जो छत कमरों की हाइट है वो 9 फुट की है, 9 फुट की हाइट है। तो ये मतलब कोई बहुत ही मजबूरी वाला बंदा वहाँ पर रह सकता है, उनके रेट कभी बढ़ेंगे नहीं। आज से 5 साल पहले भी यही रेट था और आज भी यही रेट है। प्लॉट्स के रेट तो देखो डबल हो ही रहे हैं, और आने वाले टाइम में सबके रेट बढ़ने हैं, सेक्टर 3400, 3600, 3500 सब जगह। तो पर मुझे जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो मुझे अगर करनी होगी तो ऑफिस में करूँगा मैं, या शॉप में करूँगा, क्योंकि 54+ का हो गया हूँ मैं, तो मुझे तो रेंटल इनकम चाहिए। प्लॉट स्लॉट तो मैंने बना ही लिए जो भी बनाने थे, है ना। रेंटल प्रॉपर्टी में मैं ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ, क्योंकि मुझे आगे रेंट चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा।